लेट हो चुकी है, मैं घर आ रही हूँ। तुम मत यहाँ, यहाँ मत आना। नहीं, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैंने सोचा था कि हम दोनों कुछ वक्त साथ गुजारेंगे और तुम अकेले। मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम क्यों तकलीफ उठा रही हो? मैं आता हूँ ना एयरपोर्ट पे। सुनो, तुमको आने की कोई जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी टैक्सी बुलवा ली है। अरे टैक्सी गई तेल लेने, मैं आता हूँ ना पूजा एयरपोर्ट पे। बाय 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 बाय। कौन था? रिश्तेदार। रिश्तेदार? कौन रिश्तेदार? करीबी रिश्तेदार। कौन करीबी रिश्तेदार? देखा जाए तो रिश्ते में वो मेरे एक आधे बाप की तरह। क्या? सौतेला चाचा है मेरा। तुमने पूजा कहा? हाँ तो कहा ना पूजा। कौन थी वो? थी नहीं, वो था। किसी भी आदमी का नाम पूजा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है, वो मेरे पूजा चाचा है, जानते हो तुम? एक्चुअली उनका नाम पुजारी है, और जब भी मोहल्ले से निकलते थे बच्चे उनको पुजारी पुजारी कह के बुलाते थे। एक दिन वो तंग आके उन्होंने पुजारी में से री निकालते, सिर्फ पूजा रह गया, आज वो मेरे पूजा चाचा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मैम्बो, मैम्बो। उसको क्या बुलाती है? उसको कड़ी चावल बनाने से फुर्सत मिले तब ना। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं। विश्वास नहीं है? नहीं। मैं अपने पिताजी कसम खा के बोलता हूँ, बस। ये तुम्हारे पिताजी हैं? जी। तुमने कभी बताया नहीं? तुमने कभी पूछा मुझसे? मेरी फैमिली में इंटरेस्ट लिया तुमने? ये उनकी जवानी की तस्वीर, ये मेरी मम्मी, और ये नटखट मैं। हाउ स्वीट। माँ बाप भी पैदा कर लेता है। अच्छा सुनो, पूजा चाचा आ रहे तो मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, उनसे बात बात करनी है, बिजनेस की है, और उनको मैं अगली फ्लाइट में छोड़ के वापस लौट आऊंगा। तब तक तुम कपड़े पड़े पहनो, हाँ, ठंड लग जाएगी। बाय। मैं आता हूँ ना। से मेरी बात सुन, मुंबई फ्लाइट ने उड़ान भरी नहीं है, अगर बाई चांस मुंबई फ्लाइट यहाँ पहुंच जाए तो उसको बैंकॉक फ्लाइट से मिलने मत देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुंबई फ्लाइट और बैंकॉक फ्लाइट टकराए, क्योंकि अगर वो टकरा गई तो मैं मर जाऊंगा किसी भी हालत में।